हेलो एंड वेलकम टू एम गाइड असम। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एलएलबी और बीएलएलबी एडमिशन कारण ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज हल। तो यार ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कैने के लगे डॉक्यूमेंट्स की लगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप थको पे और कि भूल आतरी थक लगे तार सम्बन्धे आज भिडियो मैं कम। ऑनलाइन एप्लीकेशन करार आगत जब कैंडिडेट एबार एंट्रेंस कारण प्रिपरेशन कर तुम लोगों कारण मैं लाइव क्लासेस आरम्भ कोचिंग टाइप हम तो एंट्रेंस आग लैक मैं गाइडेंस दी थी रेगुलर क्लासेस नोट्स लाइव सेशंस इतने मॉक टेस्ट हम जो क्लास विचारा तुम लोग एंट्रेंस कारण बहुत इजी हो जा प्रिपेरेशन तो अति इजिली एंट्रेंस क्रेक कर पारा क्लास कारण 2500 फीस लैसो व्हाट्सएप एक ग्रुप आते जॉइन हो डेली राति गूगल मीट क्लास है जो जॉइन करा मोक कॉन्टैक्ट कर लिया मोर नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दीस। इट विल रियली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चाँव आम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यू आरम्भ हम आम जुलाई 26 तारिखे 26 जुलाई 5 बजार पीछे लिंक तो ओपेन हम और लास्ट डेट आज आगस्ट 3 तारिख। सो आगस्ट 3 तारिख लेके अप टू 11:59 PM तुम लोग एप्लाई कर पारा। तार पिछत एडमिट कार्ड जी तो आसे एडमिट कार्ड तो आगस्टर 6 तारिखर परा एटो रिलीज हम आगस्टर 6 तारिखर पिछत एडमिट कार्ड तो तुम लोग पा। तो तार पिछत एंट्रेंस डेट तो जो चाँव ऑफलाइन एग्जाम हम 9 तारिखे हम तो आगस्टर 9 तारिखे एंट्रेंस हम और मेरिट लिस्ट एंट्रेंस 1 वीक पिछत रिलीज हम मोटामुटी 16 अगस्ट मानने तुम लोग टेंटेटिव डेट धरी लगभग जो एसप्ता पिछत एक मेरिट लिस्ट रिलीज हम एडमिशन काउन्सिलिंग आगस्ट लास्ट वीक सेप्टेम्बर 1 वीक मानते क्लास आरम्भ हो जाते चुना एप्लाई करते इतने कैसे इलिजिबिलिटी फार्ष्ट चाह लगे एलएलबी बीएलएलबी जिको तुम लोग एंट्रेंस दिया बीएलएलबी कारण हायर सेकेंडरी जेनेरल मिनिमम 45 एससी ओबीसी 40% लगे और एलएलबी कारण जेनेरल 45% लगे डिग्री और जब कैंडिडेट ओबीसी एससी और एसटी 40% हम हो जाए यू हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जितना तुम लोग एप्लाई करा कारोबार जो एनसीसी एनएसएस कोटा आए एक्सट्रा कारिकुलर फ्रेंच विलेज जिको कोटा तुम लोग पढ़ा तो सीट कोटा तुम लोग इतने सिलेक्ट कर एप्लाई तो कर दी पारा। और इतने कैसे इसेंशियल पॉइंट्स की लगे इतने कैसे ऑनलाइन एकमात्र ऑनलाइन हम इतने और इतने कैसे तुम लोग एप्लाई कर टाइम कि लगे एट फटोग्राफ लगे और सिगनेचार लगे ठीक है और फटोग्राफ और सिगनेचार जी आम लोग रिसेंट हम लगे और ऑनलाइन एप्लाई करते ताते एटा एमबी धरा आए केवि 230 বা 250 KB সেইটো সাইজত হ'ব লাগিব। তো অনলাইন এপ্লাই কৰোতে ডকুমেন্টস ফার্স্ট অফ অল এটা সিগনেচার লাগিব তোমাৰ আৰু এটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ তাতে আপলোড দিব লাগিব। আৰু কৈছে সিগনেচারটো ক্যাপিটেল লেটাৰত যাতে নহয় এটো স্মল লেটাৰত তোমালোকে মিলাই লিখিবা। তাৰপিছত তুমি এপ্লাই কৰোতে এটা ইউনিক আইডি তোমাৰ জেনারেট কৰিব লাগিব ইউনিক আইডিটো লাগিবই। আৰু কৈছে যিখিনি তোমালোকৰ ডকুমেন্টস বা সার্টিফিকেটস আছে মেট্রিক হায়ার সেকেন্ডারি বা ডিগ্রি গোটেইখিনি তোমালোকে এপ্লাই কৰা টাইমত লগত ৰাখিবা जी जी आपलोड दी लगे इतने दिबा और जीखिन नाले भल्के डकुमेंट्स जी नम्बर्स आस आई डी नम्बर्स दिबा रोल नम्बर रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोटेखि शुद्धक दिबा डेट अफ बार्थ और इतने इमेल आई डी और फोन नम्बर तो जी बर्तमान तुम चलैसा इमेल आई डी और फोन नम्बर तो दिबा कारण तक ओटिपी जाए ठीक है के बाद पासवर्ड तुम पहरी जा पासवर्ड रिसेटर कारण ओटिपी जाए तो इमेल आई डी और फोन नम्बर तो भेलिड थको इतने एप्लाई के फर्स्ट अफ अल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वेबसाइट जा लगे तार पिछत प्री एडमिशन फॉर्म आसे ताते लिंक तो पाई जा। तो मैं 26 तारिखे लिंक तो दीम तैयार तुम लोग एप्लाई कर पारा। आज मैं कल इतने कि डॉक्यूमेंट्स लगे तो डॉक्यूमेंट्स किने गम पाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स गोटेखिनि लगत राखिया मेट्रिक हायर सेकेंडरी और डिग्री तार पिछत यूनिक आई डी लगे तुम लोग जो बनवा ना यूनिक आई डी बनाय लबा। तार पिछत एप्लाई करार पिछत तुम लोग कि फोन नम्बर और इमेल आई डी शुद्धक दी लगे। इतना कैसे एप्लीकेशन फीस कि एप्लीकेशन फीस चुना 1000 रुपीज दी लगे अन्य बार बहुत कम आते चुना एप्लीकेशन फीस इतना
1000 করে দিছে, বহুত হয় অ্যাপ্লিকেশন ফিজ। অ্যাপ্লিকেশন ফিজটো তোমালোকে অনলাইন দিব লাগিব, এইটো অ্যাপ্লিকেশন ফিজটো 1000 অনলাইন দিব লাগিব, তোমালোকে চোৱা ইয়াতে দিয়া গৈছে। আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত কি কি চিলেবাছ হ'ব মই এইখিনি অলৰেডি আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা। 26 তাৰিখে এপ্লাই হ'ব, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব মই কৈ দিলোঁ, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মই ডিটেইল এটা ভিডিঅ' পিছত বনাই দিম। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ 1000 হ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি কোনোবা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু মোৰ ক্লাছটো জইন কৰিব বিচাৰা, তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো প্ৰিপাৰেশ্যন ইজি হৈ যাব, অতি ইজিলি ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা। মই তাতে শ্বৰ্ট ট্ৰিকখিনি দিম আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' কাৰোবাৰ ইচ্ছা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা, কমেণ্ট কৰিব নালাগে, মোৰ নম্বৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, মোক কণ্টেক্ট কৰি লবা হোৱাটছএপত। তো আজি এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰিবা, ৰিপ্লাই দিম। থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', হেভ এ গ্ৰেট ডে'।